दोस्तों, मैं डॉक्टर ब्रिजेश कुमार राय, और इस सेशन में मैं धैर्यपाल सिंह पुआर से बात करने जा रहा हूं। और हमारी बातचीत का जो मुद्दा होगा वो होगा जो न्यूक्लियर प्लांट्स भारत में चल रहे हैं, जो अभी जो फर्स्ट स्टेज के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, जो ऑपरेशनल हैं और भी जो बन रहे हैं, उनके बारे में चर्चा होगी। और उसके बाद हमारी चर्चा होगी जो सेकेंड स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट जो एक भावनी में जो बन रहा है, भावनी के द्वारा जो बनाया जा रहा है कालपक्कम में, जो एक प्रोटोटाइप है, उसके बारे में फिर चर्चा होगी कि उसका महत्व तो क्या है और सेकेंड स्टेज और फर्स्ट स्टेज में अंतर क्या है। तो उस संदर्भ में रिसेंटली आपने देखा होगा कुछ न्यूज आई थी, एक न्यूज आई थी 26 अगस्त को स्वराज मैगजीन में, जिसमें कहा गया था कि एक सेकेंड 220 मेगावाट का इंडिजीनियस यूनिट जो बनाया गया है नरोरा में, जो यूपी में आता है। और उसके पहले जो एक न्यूज आई थी जुलाई में ही, इनफैक्ट, जिसमें बात की गई थी आकरा पर, जो कि गुजरात में आता है, वहां पे 700 मेगावाट का प्लांट थर्ड जो बनाया गया है, जिसके ऊपर जो है प्रधानमंत्री वगैरह ने ट्वीट भी किया था। और ये बात आई थी कि ये पूरी तरह से इंडिजीनियस है, मतलब कि भारत में डिजाइन हुआ है, इसके सारे कंपोनेंट भारत में बने हैं, सारे इक्विपमेंट भारत में बने हैं, तो ये 100% इंडिजीनियस है, ऐसी बात कही गई थी। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बारे में जानना चाहेंगे कि इनके बारे में जो धैर्यपाल सिंह कुमार हैं, ये क्या राय रखते हैं, और इसलिए भी क्योंकि ये खुद भी जो है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो सेकेंड स्टेज है, जो भावनी द्वारा बनाया जा रहा है, जो कालपक्कम में है, उसमें काफी समय तक काम किया है इन्होंने, तो इनको काफी इंसाइट है कि ये सब कैसे होता है। और धैर्यपाल जी, आप बताते समय कोशिश ये करिएगा कि ये जो है, जिसको किसी यूरोनियम प्लूटोनियम इन चीजों का कोई खास आइडिया ना हो, बड़े मोटे तौर पे ये सब काम कैसे करता है। जैसे कुछ एक आध टर्म आता है कि ये जो है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, तो जी ये सर, इन सब क्या मतलब है, इसको आप बताइए, और इन दोनों का सिग्निफिकेंस बताइए कि क्या है ये एक्चुअली, और इनका भारत के लिए क्या महत्व है। नमस्ते सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, हाँ बताइए इसके बारे में। तो ये जो दोनों न्यूज है, दोनों न्यूज के अगर मैं कंक्लूड करूं, मतलब एक लाइन, एक शब्द में, एक सेंटेंस में, तो मैं कहूंगा कि ये बहुत अच्छा कार्य हुआ है और कॉन्ग्रेचुलेशन जिसे बोलेंगे कि हार्दिक बधाई NPCIL को, और देश के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है और लोगों को ये समझाने के लिए कि ये कितना महत्व का है, उसके लिए हम एक आम आदमी के तौर पर चर्चा करेंगे जो सामान्य व्यक्ति को समझ में आए कि भाई न्यूक्लियर पावर क्यों चाहिए। पावर प्लांट तो कई सारे हैं देश में, हाइड्रो पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, गैस कोल से चलते हैं, मतलब जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड है, तो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट के लोगों में कई सारी गलत धारणाएं हैं कि भी रेडिएशन होता है। एंटी न्यूक्लियर लॉबी भी है जो बदनाम करने की कोशिश करती है, इसका अपोज करती है, तो ये सब गलत धारणाएं है और उसका मैं खंडन करता हूँ। आई एम फॉर न्यूक्लियर, आई एम प्रो न्यूक्लियर। मेरा खाली अपोज था करप्शन से। तो मैं लोगों को संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि भाई न्यूक्लियर पावर जो है वो क्यों जरूरी है देश के लिए। तो आप जैसे भले मना किए, पर मैं एक सामान्य आदमी को समझ में ऐसे बताऊंगा कि A4 साइज का जो एक पेपर आता है सर, ATGSM, उसका वेट होता है 5 ग्राम, ठीक है। अगर उसका पांचवा भाग में करो तो 1 ग्राम होगा। अगर वो 1 ग्राम जितना यूरेनियम आप ले और उसमें से ऊर्जा पैदा करे, फाइनली बिजली बनाए, तो वो 1 मेगावाट और 1 दिन चलेगी। तो मतलब कंपेयर टू कोल, जो जनरली कोल फायर्ड पावर प्लांट है, तो कितना होगा, तो 3000 kg कोल के बराबर होगी वो ऊर्जा, समझे, लगभग। तो 1 ग्राम इक्वल टू 3000 kg। तो आप समझे कितना वास्ट एनर्जी है यूरेनियम प्लूटोनियम में। तो इसी को हमको यूटिलाइज करना है कंट्रोल वे में, न्यूक्लियर रिएक्टर में। और यूटिलाइज करने में खतरा हर जगह, जैसे घर में भी LPG है, फट सकता है, तो कुकिंग थोड़ी बंद करते हम। पेट्रोल की टंकी में पेट्रोल भी ज्वलनशील है, फिर भी लोग यूज करते हैं। तो हम तो हमारे देश में आज 70 साल से रिसर्च करते आ रहे हैं, कई सारे साइंटिस्ट वैज्ञानिक काम किए दिन रात, तो वी हैव इनफ कॉन्फिडेंस, इनफ एक्सपर्टाइज। सो न्यूक्लियर पावर से डरने की कोई जरूरत नहीं, बहुत अच्छी चीज है। और देश के लिए जरूरी क्यों है, क्योंकि इतना उसमें पोटेंशियल है। मैंने जैसे बताया कि 1 ग्राम 3000 kg के बराबर है कोल के, समझ लीजिए कितना अच्छा चीज है ये।
और इसकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा है। देखिए, आपके जमीन में से निकलता है गैस और ऑयल, उसका मतलब 50 साल में लगभग खत्म हो जाएगा। कोयला है, 150 साल में खत्म हो जाएगा कोल, फिर क्या करेंगे? तो अभी से ये सब टेक्नोलॉजी होगी तो एनर्जी का सोर्स बन के काम आएगी और इट विल बी यूजफुल, क्योंकि बिना एनर्जी के कुछ हो नहीं सकता। हाइड्रो पावर प्लांट, फिर विंड पावर, विंड मिल जो है वो, और सोलर पावर प्लांट, ये भी बहुत अच्छी चीज है, रिन्यूएबल है और क्लीन एंड ग्रीन है। पर देखिए, यूरेनियम में पोटेंशियल ज्यादा है एंड अदर कंट्री भी कर रही है, तो हमको भी करना ही चाहिए कि वी आर डेवलपिंग कंट्री, हमारे पास अभी गांव गांव में बिजली नहीं है, तो बिजली की समस्या को आपूर्ति जो है उसको खत्म करने के लिए भी वी हैव टू एंटर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। तो जो हमारे विजनरी थे होमी जहांगीर भाभा, 1954 में जब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बना, मतलब कि परमाणु ऊर्जा विभाग बना, तो उन्होंने विजन रखा था कि भाई इंडिया में ये तीन स्टेज में काम करेगा। फर्स्ट स्टेज में काम करेगा जो वाटर बेस्ड रिएक्टर रहेंगे, हैवी वाटर, लाइट वाटर, प्रेशराइज वाटर रहते हैं, उसमें प्रेशराइज करते पानी को और रिएक्टर में घुसाते हैं, उसमें से हीट निकालते हैं, और फिर आगे का तो कन्वेंशनल है कि भाई वो पानी दूसरे पानी को गर्म करेगा, वहां से स्टीम पैदा होगा, वो टर्बाइन में जाएगा, एक्सपांड होगा और पावर जनरेट होगा। ये फर्स्ट स्टेज का हो गया। सेकेंड स्टेज में ये है कि मॉडरेटर नहीं है, न्यूट्रॉन की एनर्जी हार्ड रहेगी वही की वही, और सोडियम कूलेंट की तरह यूज होगा, और इसमें एनर्जी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पावर जनरेट होता है, इसलिए सेकेंड स्टेज जरूरी है और आगे थर्ड स्टेज है। तो सेकेंड स्टेज और फर्स्ट स्टेज में मेन डिफरेंस ये है कि सर, फर्स्ट स्टेज में हम पिछली बार उन्होंने बताया कि यूरेनियम 235 का यूज करते हैं, जो नेचुरल यूरेनियम है, जो 1% से कम है, 0.72% है खाली। जबकि सेकेंड स्टेज में हम यूरेनियम 238 का यूज कर सकते हैं, जो 99.72% है। फर्स्ट स्टेज में हमको 5% से ज्यादा यूज कर ही नहीं सकते। अगर एनरिचमेंट करें तो भी मानिए कि 95% डिप्लीटेड यूरेनियम जो अनयूज्ड है, दैट इज ऑफ नो यूज फॉर अस, तो उसको हम फिर से सेकेंड स्टेज के रिएक्टर में डालेंगे, तो उसका यूज होगा प्लूटोनियम के साथ, यूरेनियम 238 के साथ, और वो ब्रीड करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है सर, आप फर्स्ट स्टेज के रिएक्टर में यूरेनियम जो यूज करते हैं, मान लीजिए 5% यूज किया, उसके साथ में प्लूटोनियम थोड़ा बना सकते हैं 239, वो प्लूटोनियम को फिर से यूरेनियम के साथ डाल दीजिए रिप्रोसेस के, तो आपको एनर्जी तो मिलेगा बट वो ब्रीड करेगा। 238 जो यूरेनियम वो फर्टाइल है, तो प्लूटोनियम भी बनाता है, तो इसका मतलब इतना ज्यादा फायदा है देश के लिए कि समझिए कि मतलब बहुत सोने पे सुहागा है। तो जहांगीर भाभा सर जो थे, उनके हिसाब से फर्स्ट स्टेज के बाद सेकेंड स्टेज होना चाहिए। देश में अभी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो फर्स्ट स्टेज में काम करता है, और उसके ऑलरेडी 22 रिएक्टर है लगभग 6.5 ज्यादा कैपेसिटी के मेगावाट की, और ये 23rd रिएक्टर हुआ जो 22 जुलाई का न्यूज आया कि 700 मेगावाट का रिएक्टर कांकरा पार सूरत में क्रिटिकल किया, मतलब उसने जस्ट सस्टेन्ड चेन रिएक्शन, फ्यूजन चेन रिएक्शन चालू किया है। अभी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, मतलब फुल पावर तक आने में, पर वो आ जाएगा, एंड वी आर वेरी वेल वर्स नाउ एक्सपर्टाइज इन दैट। और बहुत अच्छी बात यह है सर कि इस पूरी की पूरी 700 मेगावाट का जो प्लांट है, उसकी पूरी डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और हर एक इक्विपमेंट भारत में बना है, तो भारत के लिए सही में मेक इन इंडिया, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है, गृह मंत्री ने भी ट्वीट किया है, मेक इन इंडिया है ये, और तो ये सही में वेल डन फॉर NPCIL। और 700 मेगावाट का ये पहला रिएक्टर है इन हाउस डिजाइन, इससे पहले 540 मेगावाट का बना चुके हम, 220 मेगावाट के बनाए थे। जैसे 1974 में क्या हुआ था, पोखरण वन के बाद कई लोगों ने मदद करना बंद कर दिया, खास करके हम ये टेक्नोलॉजी कांडू रिएक्टर बोलते, कैनेडा का है, तो वहां से थोड़ा हमको सेटबैक मिला था। उसके बाद मेक इन इंडिया 1974 से चालू हो गया था एक्चुअली बोलूं तो मैं, और हमने मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन जो बनाया पहले, उसके बाद तो सीरीज लगा दी 220 मेगावाट के रिएक्टर बनाने की, फिर 540 का भी बनाया, और ये है वो 700 मेगावाट का है, तो हम स्केल अप कर रहे हैं, और अभी 700 मेगावाट कई सारे आएंगे। उसके पहले हमने कुडमकुलम ने 1000 मेगावाट का बना चुके हैं, पर वो रशियन का कोलैबोरेशन है, तो भाई 1000 मेगावाट का बना चुके थे, 700 मेगावाट सिग्निफिकेंस क्यों है, क्योंकि ये खुद बनाया है, वहां जो हम बनाते उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो हमको 10 रुपये से ज्यादा पड़ती है, और अभी रिसेंट में जो साइन की उसमें तो ऐसा माने के 20 रुपया पड़ेगा पर मेगावाट, 20 करोड़ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रहेगी पर मेगावाट, जबकि हमने जो भी बनाया है सूरत में कांकरा पर में, तो वो आप माने के 8 रुपये के आसपास उसका लागत पड़ेगा, 8 करोड़ पर मेगावाट,
तो कहाँ 8 करोड़ पर मेगावाट और कहाँ 20 करोड़ पर मेगावाट। तो ये सही में पैसा भी बचाएंगे हम और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट भी होगा, तो ये सही में धन्यवाद के पात्र है, कोई डाउट कोई गुंजाइश नहीं उसमें। और दूसरा जो न्यूज था 25 अगस्त का है एक्चुअली, कि उस दिन नरोरा के जो यूनिट थे 220 मेगावाट का, उसने 2 साल का कंटिन्यूस ऑपरेशन अचीव किया, अच्छी बात है। इससे पहले भी राजस्थान के 2 रिएक्टर कर चुके हैं 700 दिन से ज्यादा ऑपरेशन, और कैगा का रिएक्टर तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है 942 डेज का, और 962 डेज तक रन किया था। मतलब पूरे वर्ल्ड में कंटिन्यूस ऑपरेशन कोई पावर प्लांट करे बिना शटडाउन किए, ऐसा रिकॉर्ड हम होल्ड करते हैं एज अ कंट्री, एनपीसीएल एज अ कंपनी। तो एनपीसीएल जो है वो फर्स्ट स्टेज में वेल एस्टेब्लिश कंपनी है, 1987 से काम कर रही है। इससे पहले भी एक्चुअली कंपनी का गठन नहीं हुआ था, पर वो कहलाता था पीपीईडी, और उसके बाद उसका नाम था न्यूक्लियर पावर बोर्ड। बोर्ड को कंपनी बना 87 में, और अभी तक 30-32 साल से कंपनी का अच्छा रेवेन्यू भी है, 12.5-13 हजार करोड़ के आसपास, और 5 हजार करोड़ के आसपास तो नेट प्रॉफिट है। तो ये कमाऊ लड़का है, एटमिक एनर्जी अगर बाप है तो उसके पावर सेक्टर के 2 लड़के हैं अगर, तो पहला एनपीसीएल जो कमाऊ लड़का है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। और जो भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, जिसका मैं एम्प्लॉय था, भाविनी से शॉर्ट में कहते हैं, वो सेकेंड स्टेज के लिए बना है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना है हमको, और उसका पहला रिएक्टर है 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फास्ट बीडर रिएक्टर PFBR, जो ब्रीड भी करेगा मैंने बताया जैसे। तो ये रिएक्टर में थोड़े सेटबैक आ रहे हैं, मतलब बन नहीं रहा अभी। 2003 में कंपनी चालू हुआ, 10 में पहला डेडलाइन था वो मिस हुआ है, बाद में 14 बोले थे, 17, 19, 21 चल रहा है डेडलाइन, डिले हो रहा है, 21 वाला भी मीट नहीं होगा जहां तक मेरा अंदाजा है। तो ये जो देश के बड़े लोग हैं उनको इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों, मैंने बता चुका है, ब्रीड करता है और वहां का जो यूज है यूरेनियम उसी को यूज करेगा। और टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना, तो जैसे बाबा साहब ने बोला था कि नो पावर इज कॉस्टलियर देन नो पावर, बिजली ही नहीं रहेगी उससे बड़ी विडंबना कोई हो नहीं सकती देश के लिए। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना है हमको, टाइम डिले हो नो प्रॉब्लम, पैसा ज्यादा लगता है थोड़ा सा नो प्रॉब्लम, बट वी हैव टू डेवलप। तो फिर अच्छी कमिटी, मैंने यंग लोग काम करने के लिए है वहां पे, तो उनको जो भी एक्सपर्टाइज की जरूरत है, रिटायर्ड लोग है, सीनियर लोग है, वो आए जो काम करते हैं अभी के, वो भी आए, कंसल्टेंट भी जो लगाने पड़े, पर बनना चाहिए, ऐसा मेरा एक सुझाव है, क्योंकि ये ज्यादा हितकारी है। फर्स्ट स्टेज में आप 1% यूरेनियम का यूज करते हैं, और एनरिचमेंट करने के बाद भी 5% से ज्यादा यूज एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते एनर्जी 100 में से, और ये जो बचा हुआ है 95 उसका यूज करेगा, और यूज करने के बाद आपको और ज्यादा पैदा करके भी दे देगा, बताइए इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है। बिल्कुल, तो इसलिए इसका नाम है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, पैदा करता है। तो मेरा सुझाव यह है कि इस रिएक्टर पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और देश के लिए आगे जाके ये सीरीज ऑफ रिएक्टर जब आएंगे तो एनर्जी का कोई प्रॉब्लम रहेगा नहीं हमारे लिए। इट इज मच मोर डिजायरेबल टू कंसंट्रेट एंड फोकस मोर ऑन दिस रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, बिकॉज हम पहले जो रिएक्टर उसमें ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश हो चुके हैं, तब थोड़ा फोकस इधर भी देना चाहिए, तो देश के लिए ज्यादा हितकारी रहेगा। अच्छा, ये जो सेकेंड स्टेज में जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, इस तरह की टेक्नोलॉजी और देशों में भी है क्या? ऐसे कौन कौन से देश हैं जहाँ पे ये लोग बना चुके हैं? हाँ सर, तो ये तो फ्रांस में है, सबसे पहले फ्रांस में बना है, फिनिक्स, सुपर फिनिक्स रिएक्टर बने, उसके रेप्सोडी भी था उनका टेस्ट रिएक्टर। उसके बाद हमारे देश में भी टेस्ट रिएक्टर है, एक छोटा सा 40 मेगावाट थर्मल का, जिसे फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर कहते हैं, कल्पक में ही है, पर वो टेस्ट रिएक्टर था, टेस्टिंग के लिए बनाया गया है, वो भी चल रहा है, वो भी पावर पैदा करता है, पर उसका बहुत कम मेगावाट है, क्योंकि टेस्ट पर्पज उसका है, न्यूक्लियर साइड उसका एम है। और ये प्रोटोटाइप रिएक्टर है वो कमर्शियल है 500 मेगावाट। उसके अलावा रशिया बहुत आगे, जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि चेर्नोबिल का इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ 1986 में, उसके बाद भी, उसके बावजूद उन्होंने BN-800 और अभी तो BN-1200 के लिए वो एम कर रहे हैं विद रिवाइज डिजाइन। तो जब इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद रशिया मार्चिंग अहेड कर रहा है सेकंड स्टेज में, तो हमको भी करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि हम तो डेवलपिंग कंट्री है, हमारे पास तो बिजली की अभी समस्या पूरी तरह समाधान नहीं हुआ उसका, तो हमको उस पर फोकस करना चाहिए सर, मेरा ऐसा मानना है। और इसका तो एम नाम ही है सर, भाविनी का जो आप देखेंगे तो लोगो है एनर्जी सिक्योरिटी फॉर द फ्यूचर। एनर्जी सिक्योरिटी इसीलिए बोला गया था क्योंकि वो हम 22 रिएक्टर का जो डिप्लीटेड यूरेनियम होगा उसको क्या करेंगे,
कुछ कुछ जगह आपका कोलैबोरेशन रहता है, वापस देना पड़ता है उस कंट्री को जहां यूरेनियम आया, पर जब अपना खुद का बना है, टेक्नोलॉजी खुद की हो गई, अपना खुद का हमारा UCIL कंपनी है, यूरेनियम कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, IREL भी है, TCIL भी है, ये तीन भी सपोर्ट करते हैं अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग तरीके से देश के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को, तो फिर हम पूरी तरह सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं। तो इसी के में एक स्टेप आगे होना चाहिए कि यूटिलाइजेशन फैक्टर भी ज्यादा है यूरेनियम का, अगर देखेंगे तो 95%। तो आई एम फॉर PFBR एंड आई एम फॉर न्यूक्लियर एनर्जी बिकॉज इट इज ऑलवेज डिजायरेबल एंड गुड फॉर कंट्री। आई एम प्रो न्यूक्लियर और आई एम रियली हैप्पी विद दिस बोथ न्यूज, बहुत अच्छी न्यूज है दोनों। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड है सर, देखिए पहले पेजर था, फिर ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल आया, फिर कलर मोबाइल आए, और फिर टच स्क्रीन आ गया, स्मार्टफोन आ गया, तो टेक्नोलॉजिकली अपडेट हो रहे हैं। तो साथ में कई सारी चीजें नहीं आई कि भाई पहले बड़े बड़े कैमरा थे गायब हो गए, डिजिटल कैमरा है वो भी गायब हो गए, मोबाइल ने सबको खत्म कर दिया। टेक्नोलॉजी इज द की, डेवलपमेंट इज द की, वो करना ही पड़ेगा, और अगर जो नहीं करेगा वो मारा जाएगा। पहले एक समय था देश में कि भाई मोबाइल मतलब नोकिया, आज नोकिया का नामो निशान नहीं है, लगभग है पर फिर भी एक्सटिंग्विश हो गया क्योंकि इट कुड नॉट एडॉप्ट एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी। सो सिमिलरली हमको PFBR के लिए थोड़ा ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये एनर्जी सिक्योरिटी उसका एम है और वो करके दिखाएगा, अगर बन गया तो देश में बहुत अच्छा रहेगा देश के लिए। तो मेरा तो पूरी तरह से अभी भी भाई, और जो कुछ कहते हैं रेडिएशन का खतरा, ऐसा कुछ नहीं होता देश में क्योंकि रेडिएशन को हम टैकल कर सकते हैं। मैंने बोला ना खतरा हर जगह है, बट वी हैव टू टैकल सॉलिड लिक्विड गैस तीन टाइप के, मान लीजिए मेन रेडिएशन रहेंगे तो सॉलिड को आप कंसेंट्रेट एंड कंटेन कर सकते हैं, लिक्विड को आप डाइल्यूट कर सकते हैं, और गैसियस को डिले डीके मेथड से मतलब ऑलमोस्ट डाइल्यूट नहीवत करके हवा में छोड़ सकते हैं। तो कोई खतरा नहीं है न्यूक्लियर एनर्जी से, क्लीन है, ग्रीन है, एमिजन लेस है और चीप पड़ेगा, उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम आएगा सर। कैपिटल कॉस्ट तो आएगा, आप 1 लाख की बाइक लेंगे उसके बाद पेट्रोल का लागत तो रहेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट वो बहुत कम है इसमें, और टेक्नोलॉजी के लिए हम एडवांस हो रहे तो आई रियली गो फॉर दैट, आई सपोर्ट दैट, और मैं बहुत खुश हूँ। ये जो 10 साल का लेट हुआ है, और लेट और भी लगता है कि शायद होगा, इसके लिए अगर आपको केवल 2-3 की फैक्टर बताने हों कि ये इन चीजों की वजह से लेट हुआ है, तो आप क्या बताएंगे? सर जैसे मैंने पिछली बार ही बोला था कि आप एग्जैक्टली पूरे प्लांट का एसेस करके नहीं कह सकते, फिर भी मोटा मोटी ये बोलूंगा मैं कि जो मैनेजमेंट है वहां थोड़ा गड़बड़ हुआ है। जैसे कि ये रिएक्टर जब बना तब इसका डिजाइन किया है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, वहां से साइंटिस्ट लोगों ने डिजाइन दिया, तो वहां से कुछ लोग डेप्यूट हुए और कुछ लोग डेप्यूट हुए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL से, जो पावर प्लांट है जो काम करता फर्स्ट फेज में। तो फर्स्ट फेज वालों को रिएक्टर साइड कोर कंपोनेंट जो है सोडियम वगैरह टेक्नोलॉजी का इतना अनुभव नहीं है, और जो यहां से आए IGKR वाले उनको पावर प्लांट का एक्सपोजर नहीं है, प्रोजेक्ट का एक्सपोजर नहीं, वो डिजाइन के आदमी थे। तो सीनियर लोग जो आए थे उनकी जो टीम आई थी दे कुड नॉट लीड एंड टेक अप द यंग पीपल हु वर रिक्रूटेड। सो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा कि क्योंकि डिजाइनर को पावर प्लांट का प्रोजेक्ट का इतना अनुभव नहीं होता जनरली कि कैसे काम होता है, कैसे कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ेगा, तो उसमें क्या क्या सेटबैक आएंगे, क्या क्या डिले आएंगे प्रोक्योरमेंट में, अगर कोई इक्विपमेंट है तो उसका प्लानिंग होता है कि कितने साल पहले कितने महीने पहले आप टेंडर फ्लोट करेंगे, उसको कंटिन्यूस चेस करना, इंस्पेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कोई मॉडिफिकेशन है तो फिर डिजाइन चेंज करने के बाद वहां से आना चाहिए फीडबैक। तो थोड़ा लैग रहा ये सब कोऑर्डिनेशन में, देयर इज नो प्रॉब्लम बिकॉज डिजाइन इज वेटेड बाय फ्रेंच पीपल हु आर एक्चुअली लीडर इन दिस टेक्नोलॉजी। तो एग्जीक्यूशन में इश्यू है, एग्जीक्यूशन बाय पीपल जो लीड कर रहा है ऊपर, क्योंकि नीचे वालों को जैसे मैंने आवाज उठाया मेरे को निकाल दिया, मैंने तो 2015 में लेटर लिखा था और मैंने ये बोला था कि ये रिएक्टर पे अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो 18 तक नहीं आएगा, और अगर ध्यान नहीं देंगे तो 20 में भी नहीं आने वाला है, जबकि दावे किए जा रहे थे कि भाई 15 में ही कर लेंगे हम। तो जब मैं एक छोटा लेवल का ऑफिसर वहां पे कह सकता हूं कि ये फिजिबल नहीं है टाइमलाइन, तो गलत लोग बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। देखिए आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, कुछ भी करें इंटेंशन अगर सही है तो फिर चीज में बरकत होती है। तो अगर आप 1-2 जगह झूठ बोलते हैं तो मतलब आपने और भी कई सारी जगह कुछ ना कुछ गफला किया है जो बाहर आना बाकी है। मैंने पिछली बार बोला था कि CAG का रिपोर्ट था, उसने भी बोला कुछ
टेंडर का जो मोड है उसमें कॉम्प्रोमाइज किया गया, कुछ गलत किया गया टेंडर का, जो मतलब जिसे बोलेंगे खुद के नॉर्म्स को वायोलेट किया गया प्रोक्योरमेंट के नॉर्म्स को, तो वो क्यों हुआ वगैरह पार्लियामेंट में टेबल भी रिपोर्ट हुआ था वो सीएजी का 21 2015, बट आगे उसमें कुछ हुआ नहीं अभी तक। तो एक कमेटी बननी चाहिए हाई पावर जो जांच करे सब चीज की क्यों डिले हो रहा है, कई सारी चीजें है। फिर एसजीडीएचआर है सिप्टी ग्रेड डीके हिड्रोमोल, उसमें कुछ इश्यू हुआ था जो भी सेटराइड हुआ, पंप का इश्यू था वो सेटराइड किया अभी ईएम पंप का वगैरह का, और भी आगे अभी टॉप सील्ड में चल रहा है, तो वो तो मतलब आएगा सर, छोटे मोटे प्रॉब्लम है, इट कैन बी सॉल्व आउट, ट्रेस्ड आउट, टैकल्ड आउट, नो इश्यूज एट ऑल, बट सीरियसनेस जो है ना वो नहीं है मैनेजमेंट में अभी भी। देयर हैज टू बी सम स्ट्रांग लीडर हु नोस इन एंड आउट ऑफ सोडियम एंड हु कैन लीड द टीम, सो वो थोड़ा डिटर्मिनेशन की कमी है। और जो मतलब जिसे बोलते हैं कि वी हैव टू फेयर इन डिस्कशन, आप बताइए क्या इश्यूज है, लोगों को बोलने का मौका दीजिए, ओपन डिस्कशन होके उसमें ट्रबल शूटिंग हो जो भी है, मिलजुल के काम करना देश के लिए, तो वो थोड़ा करना चाहिए सर, मेरा सुझाव है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि साइंटिफिक कोई भी इंटरप्राइज है, अगर उसमें खुल के डिस्कशन ही नहीं हो सकता, उसमें सुझाव ही नहीं लिए जाएंगे, उसको दबाया जाएगा, उसमें बोलने की आज़ादी नहीं होगी, तो सही से एडवांसमेंट और सही से उसमें इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत तो आएगी और आ भी रही है जी सर। और क्योंकि ये प्रधानमंत्री कार्यालय के नीचे आता है, उनके अधीन आता है ये, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को जो है कार्यालय को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, आपने भी लिखा हुआ है, ये बातें आ रही हैं, द वायर ने भी छापा हुआ है इसके बारे में, तो कहीं ना कहीं बात मीडिया में भी है, तो प्रधानमंत्री कार्यालय को संज्ञान लेके और कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा है कि एक सही नेतृत्व, सही लोगों को अपॉइंट करें, कुछ सही लोगों को डेप्यूट करें और एक सही से टीम की तरह बना के काम करें, और इसके साथ ही वो आपको भी न्याय दिलवाएं, क्योंकि जो लोग राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं वो अगर पॉइंट आउट कर रहा है तो उसको जो है उसको निकालना न केवल उसकी जिंदगी खराब करना है, और ये किसी समस्या का हल नहीं है बल्कि एक गलत एग्जांपल सेट हो रहा सर इससे, लोग सच बोलने से कतराएंगे बाद में। अब हाँ हर जगह लिखते सरकारी कचेरियों में कि भाई सत्यमेव जयते, पर सच बोलने वालों को निकाला जा रहा है, तो गलत है। तो हमारी कथनी और करनी में डिफरेंस हो रहा है देश में, है ना। मैंने तो हमारे वड़ा प्रधान जो है वो भी गुजरात से ही है हमारे, तो गुजराती भाषा में एक पन्ने का एक लेटर ट्वीट पे भी डाला था, गुजराती भाषा दिन 24 अगस्त को था, वर्ल्ड गुजराती भाषा दिवस, तो उसके दिन रखा है, अब देखिए क्या होता है। और मैंने उनमें उनको जिस्ट भी लिखा है कि भाई देखिए मेरा ओपोजिशन खाली जो कुछ गलत किए लोग उनसे है जिन्होंने गफले किए हैं, और वो किए हैं, इट इज ऑन पेपर प्रूव्ड ऑल्सो, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, और जो सच बोल रहा है उसी को भी निकाला जा रहा है, वो गलत है। बिल्कुल, सबके लिए एक होना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए, वो नहीं हो रहा, तो प्रधानमंत्री संज्ञान लेंगे। और ये देश के लिए सबसे बड़ी चीज है सर, चलिए एक आदमी क्या धैर्यपाल सिंह को निकाल देने से रिएक्टर आ गया क्या, अपने धैर्यपाल सिंह को निकाल दिया तो क्या रिएक्टर बन गया आपका। और मैंने जो बोला था एक एक कंप्लेंट तो सच है, पैसे का हुआ है, लोगों के इलीगल प्रमोशन कैंसिल हुए हैं, तो डीओपीडी की गाइडलाइन वो फॉलो होनी चाहिए, मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूँ अपनी ओर से, तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन वही फॉलो हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, अगर ऑनेस्ट लोगों की टीम आ गई तो मैंने वही लिखा दूध का दूध पानी का पानी होगा, पता चलेगा कौन कहाँ पे है। और देखिए टेक्नोलॉजी के लिए जब मैंने बोला था वो तो हुआ, अभी 5 साल पहले जब लोग मुझे कह रहे कि यार इतना लेट तो नहीं होगा, शायद कुछ महीने हो जाए और, पर मैंने तो लिख के दिया है लेटर में कि 20 तक नहीं होगा, 18 मिनिमम डेडलाइन थी और 20 में भी नहीं होगा अगर ध्यान ने दिया, और बाद में और भी डिले हो सकता है, वी डोंट नो हाउ मच, अगर ध्यान ने दिया तो ये तो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड करके उसके एक चादर के नीचे कारपेट के नीचे आप सब कुछ नहीं दबा सकते, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिएक्टर ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अब 21वीं सदी आ गई सर, अभी टेक्नोलॉजी के लिए आपके पास सब चीज मीन्स अवेलेबल है, वो जमाना नहीं है कि जब पोखरण 1 हुआ और कई लोगों ने बॉयकॉट किया भारत को, नहीं देंगे टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करो, जैसे मैंने बताया कि मैप्स में खुद करना पड़ा था, उसके अलावा फास्ट बीटा टेस्ट रिएक्टर में भी फ्यूल पहले अलग था, फिर कार्बाइड फ्यूल खुद बनाया इंडिया ने, तो किया है भारत ने सब कुछ खुद किया है, पर ये डिजाइन प्रूवन है तब इसको एग्जीक्यूशन में खाली गलती हो रही है, उसके चक्कर में आप लोगों को विक्टिमाइज करेंगे या अपनी गलती छुपाने के लिए फिर बोलेंगे कि सुनामी आया था, सुनामी में आप ही का क्लेम है 4 महीने में बाहर आ गए,
तो पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा मीडिया में गलत डेट क्यों दी जा रही बार बार? जब अंदर का आदमी समझ सकता नहीं बन सकता, तो आप गलत डेट क्यों दे रहे हैं? तो क्या आपका कोई अल्टीरियर मोटिव है इसमें? व्हाट यू आर गेनिंग बाय गिविंग फॉल्स प्रॉमिस? तो वो सब कई सारी चीजें हैं। हालांकि अभी ये खुशी का न्यूज है दोनों, जो आपने बात करना चाहते थे, तो वही है। एनपीसीएल को मेरी दिल से बधाई है और हार्दिक कॉन्ग्रेचुलेशन इतना बोलूंगा मैं सर एंड में। तो ये सारी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये जो बातें हैं ज्यादातर तुमको पता नहीं है। ज्यादातर लोग जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में एक तरीके से उनको ना के बराबर जानकारी है सामान्य लोगों को, तो उनको ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये भी हम कामना करते हैं कि ये जो वहाँ पे जो सेकेंड स्टेज पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए, और साथ में हम ये भी कामना करते हैं कि आपको भी न्याय मिले और जितनी से जल्दी हो सके आपको दोबारा जो है आपके जॉब में पूरे सम्मान के साथ रीस्टोर किया जाए। और जैसे कि हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का पूरा अधिकार है, तो वो अधिकार जो आपका छीना गया है गलत तरीके से, दोबारा से आपको मिले और आप जो है वहाँ रिस्टोर होके और पावर प्लांट के लिए और देश के लिए दोबारा से खूब अपना सहयोग दें। इसी कामना के साथ हम ये सेशन यहाँ खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर।